दिखाओ कैमरा और इतने तो दशहरे वाले दिन बिना रहती भैया इतनी भीड़ तो दशहरे वाले दिन में न रहती सर। दो साल बाद मेला लगा है फाउंटेन ठंडा नहीं फाउंटेन है यहाँ का मेले के बीचों बीच है ये फाउंटेन। तो अभी हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है इधर जाए उधर जाए बहुत ज्यादा। लोग अपने छोटे बच्चों का अवश्य ध्यान रखें, चलते हैं चलो 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 जगह बदलो। अरे इसका भी 80 रुपए का टिकट दे दी। मेले की शान है, सबसे बड़ा झूला है, इसमें बैठने में बहुत अच्छा झूला बनाई जाती है। मेरी नहीं होती ना हवा टाइम नहीं होती, बस इसमें बैठ के दिखाते हैं दूर से क्या हो रहा है। पिछली बार मैं बैठी थी बहुत भगवान के नाम लेते लेते नीचे आई हूँ। आगे आगे मैं खो जाओगे इसमें तो बड़े भी खो जाएंगे भैया। अरे हमारी खोई हुई टीम मिल गई। मीना कहाँ है? मीना अरे मीना कहाँ है? भीड़ के बाद देखे भीड़ लाइन कितनी लंबी लग रही है, नंबर कितनी देर में आएगा। अब यहाँ से अंदर चलेंगे, देखो भीड़ आती है तो दिखा दूँ। हमारी वीडियो में कई तो ऐसी भी मिलेंगी जो घूरते हुए जाते हुए दिखाई दे। ये कुछ
कोलंबस वाला तो सेम है, कोलंबस के आगे जो है। चाट पकौड़ी के अंदर बहुत ही ज्यादा स्टॉल लगे हुए हैं और रेस्टोरेंट वाले आ गए हैं रेस्टोरेंट के। यहाँ के रेस्टोरेंट दिखाएंगे कि रेस्टोरेंट अच्छे हैं। रेस्टोरेंट आने शुरू हो गए, यहाँ के रेस्टोरेंट बहुत अच्छे अच्छे हैं। बहुत दूर दूर के लोग आते हैं यहाँ से, कोई कन्नौज से आता है, कोई कहीं से आता है, सब अपने स्टॉल लगाते हैं। कौन सा स्टॉल? पान। पान का पान। अच्छा पान भी ले। बाकी के देखो ये कितना बीटेक कुल्फी वाला, बीटेक करके लोग कुल्फी कुल्फी बेच रहे हैं। बीटेक करके कुल्फी इसलिए बेच रहे हैं, बीटेक में एडमिशन बन जाता है। देख सकते हो कितनी वैरायटी है खाने की ना, बस क्या लेते जाओ वो पढ़ाते जाओ। एक बच्ची जिसकी उम्र तकरीबन 8 साल है, उसने काले रंग का ऊपर सूट पहना हुआ है। काले रंग का सूट पहना हुआ है, दोनों हैं। ओ काले रंग वाली हैंगी दोनों, एक साथ एक आठ। चलो टी शर्ट है वो अलग होगी कुछ। अच्छा मतलब डेकोरेशन में बहुत अच्छा है, और राजा महाराजा वाली फीलिंग आती है। हम अभी पहले आए तो हम इसमें ही खा के गए थे, अब नहीं खाएंगे। दिल बहुत आता है। यहाँ पे चलिए रामलीला, अब हम जा रहे हैं थोड़ी सी रामलीला देखने। अब रुको मैं आके चेक करूंगा गीता। हम आए रामलीला देखने और वो राम जी कुर्सियाँ भी पड़ी है, बैठना हो तो बैठ लेकिन कुर्सियाँ पड़ी है, खाली आगे भी पड़ी है। मेरा स्वप्न है, मेरा पति है, यही मेरा पति है। तो हम यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि हमें और चीजें भी करनी है। यहाँ पे अंधेरा ज्यादा है तो थोड़ा सही से नहीं कर पाए। बाकी यहाँ के जो राम है वो बहुत ज्यादा हैंडसम है, उसी की वजह से मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है। ये मेरी घर में पत्नी है, जिसकी नाक कट गई थी उनका रोल चल रहा है। तो मैं ऋषि हूँ, तो हम वो देख रहे हैं अभी फिलहाल। मैं करो क्या थी देखने जाना वहाँ पे। रामलीला देख के थोड़ा सा रामलीला देख के आ गए हम बाहर। अब हम थोड़ा खाएंगे पियेंगे, थोड़ा झूला वूला झूलेंगे। दीदी देखो इधर का, देखो सामने का, देखो लकड़ी का सामान था। इस वाली शॉप में सारा सजावट का सामान आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। देखिए ना एक पाव में कितनी चढ़ जाएगी, बहुत कम चढ़ेगी। क्या एक पाव में तो बहुत ही कम चढ़ेगी। ये तली हुई क्या लेना है? ये भूनने के लिए 80 रुपए पाव। 80 रुपए पाव। 100 रुपए पाव। पाव में कितना होगा? अरे 250 ग्राम। बहुत कम होता है। एक और दिखाओ पहले ये भुने हुए कच्चे हैं? भुने हुए ये तो आलू के हैं। ना आलू के
केले केले के टेस्ट कर रहे हो तुम तो वहाँ तक पेट भर लोगे अपना। तो यहाँ से हम कब खरीद सकते हैं, हम खरीदने वाले हैं कब? बॉडी में पेन हो रहा है, जोड़ों का दर्द है, कमर दर्द है, घुटने का दर्द है, पुराने से पुराना गठिया का वाय का वाय का कैसा भी दर्द रहता है उसमें कार्य करेगा। किसी प्रकार का एलर्जी है, खुजली है, दाद है, उसमें भी कार्य करेगा। किसी प्रकार का सर्दी हो जाता है, सरदर्द हो जाता है, उसमें सूंघने मात्र से लाभ देगा, वो तेल है। ऐसे दुर्लभ जड़ी बूटियों का मिश्रण है। 20 साल पुराना दर्द सिर्फ 48 घंटे में आपको फायदा दिखला है। खुला हुआ सूंघो, दर्द हो रहा है, देखिए आराम मिलता है कि नहीं। अभी 5 मिनट बाद ही बता देंगे क्या रिजल्ट है। ऐसा सूंघना के बेहोश होकर मत गिर जाना। अरे भैया, और ठीक पुराना आयुर्वेद है, जब ये नाक में को जाएगा कुछ तो असर करेगा। आयुर्वेद का प्रोडक्ट है। हाँ ना, है ना स्टैंड तो। हाँ हाँ, ये वो एक ही चीज। अच्छा, मैं सुधराज नहीं कह रहा हूँ, अलग से खरीदना पड़ेगा। हाँ सही है, तुम्हें चाहिए जरूर। अरे बेटा झूल है, झूल ये बता दो। देखो बंदूक वाले की दुकान आ गई। अच्छा हुआ यहाँ पर औरतें ले रही है मंगलसूत्र, करवा चौथ की तैयारी कर रही है। सही में आजकल जिस तरह से गोल्ड सोने की चीज ले रहे हैं, जिस तरह सोने की चीजें खींच खींच के भाग जाते हैं चोर वगैरह, ऐसा पहनो सोने से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं। ये जी हस्बैंड सिखाते हैं वर्डिंग। दीदी मंदिर में लगाने के लिए सुंदर सी बता रहा था 200 रुपए का, मैंने लिया 150। मेरे घर में मंदिर आज तक भी आया नहीं, मैं देखती हूँ वहाँ पे, मैं दिवाली में लगाऊंगी नया। अच्छा ऐसी झालर है, कहाँ जा रहा है? छोटे तेरे को हम भी आ गए। कितने के? 50 के 3। 50 के 6। और तू तो 3 ही कह रहा था, यहाँ तो 6 मिलने। तू भी चख ले। आप हमारी अपने आप से सिलेक्ट कर रहे हो? आप वो नहीं, आप बताओ। कौन सा सेलेक्ट हुआ, ये वाला बेटा? हमारी गोल्डन कैंडी बनना शुरू हो गई। छोटी तो बता ही नहीं। सबको देना है आपने मारो। मैं नहीं दिला रही, मतलब मैं खुद ही ले रही हूँ। देख रहा था फोटो से कोई बढ़िया बढ़िया सीनरी।
क्लासिकल आइटम है ना, वैसा नहीं है। नमस्कार, आप 56 किलो में, छप्पन किलो में आप अद्भुत बुद्धिमान हैं, परिश्रम को न छोड़े। नमस्कार, आप 23 किलो है, 23 किलो पढ़ने से आपका भविष्य उज्ज्वल होगा। नमस्कार नमस्कार, नमस्कार, आप 25 किलो है, 25 किलो है, 25 किलो है, आपका परिश्रम सफलता की पहली सीढ़ी है। नमस्कार, 68 किलो कितने का? 68 किलो 68। हाँ, मम्मी से भी ज्यादा भारी है। कितना? 81। हाँ तो इतना तो चलते हैं भाई, वजन वजन तुल गया सबका, फालतू निकल रहा, चल रहे अब आगे को। ओ बैटरी बदल लूं क्या? ले ले जा रहे हो? चलो। कितने के हो गए? हाँ बस बदलोगे, इसमें से कम करो। एक कन्नी करो ना, मैं जेब में रख लूं सारे। भूल जाता है कि मम्मी के पास मम्मी पानी में पूछे पन कितने के हो गए, फिर मैं पैसे दूं। इनसे कम करवा। कितना लेना भाई, कितने का है? ले ले जा रहे हो, सही लगा ले। नहीं तो इनसे कम करवाना बच्चों से। अरे इनके हाथ में बहुत सा, कहाँ चला रहे हो? कौन से पे चला रहे हो? रुक जा रुक जा। हाँ तो निशाना लगाओगे जब भी तो दिखेगा, देख करके निशाना लगाना। पहले बता किस पे निशाना लगाया जा रहा है। हाँ पल्ली आग बंद करनी है, यही ना पता कौन सी बंद निशान है। एक से दे ये ऐसे नहीं। हाँ देखो निशाना, देखो किस पे लग रहा है, शेर पे। ओ गुब्बारा तो फूल बना तो रहा है, दिखा एक दिखाओ, लगाओ निशाना, किस पे लगा रही है? ओहो आसमान में जाना। अरे बाप, अब आप कहते हिल गया हिल गया हिल गया हिल गया। वो एक आदर मेरे भी है भाई, आखिर के निशाने। हाँ बेटे मेंढक मेंढक हिल गया। कितने बच रहे हैं, कितने हो गए? तो सेकंड लास्ट मेरा रहेगा भाई। अच्छा समझ गया। एक बची हुई है ना, ये वाला पक्का है झूला। जल्दी तुम्हारा काम, जल्दी जाओ जल्दी बेटा। छोटी थी थोड़ा कस के बैठवा दियो भाई। अरे जाना ये अंकल जी, मजबूताई से बैठना। पहले तू बैठ, पहले तू भी तो बैठ। नहीं इधर एक में पर दो ही आएंगे। अच्छा तो अरे नहीं गिरने की है। अरे नहीं गिरेगी, अब कम से कम झूलने की तो ना झूले। भाई तो पूरा ऊपर उठ गया।
को हिलाते हाथ मजा नहीं आया। और शक्ल तो तुम्हारी ऐसी हो गई थी, कहाँ तेज चला, एक बेल्ट टूट गई थी उसकी, एक टिकट के 100 रुपए बचाए, चल ले वहाँ खड़ा देख ले। चलो तब भेज दिया, कौन सा झूले का डिस्कशन चल रहा है, आओ चलो 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 चलो, अब ऊपर जाके रोना, अब एक बार में रोना। चलो मम्मी है बीच में बैठ गया, आ गया उधर, आओ उधर 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 उधर, चल दिया और कर दी, हालत ज्यादा ही खराब है। अबे ये भी चल रहा है क्या, हमें चक्कर आ रहे हैं। आराम से पकड़ के चल, मेरे से धरती हिल रही है भैया। बेटा क्या हुआ, मजा आया क्या? हाँ तुमने तो उन्हें पकड़ रखा है ना। सारा पलटने को तैयार है बिल्कुल। खत्म हो गया है, भीड़ खत्म होगी, लाइट ऑफ होने हो गई, लाइट ऑफ, लाइट भी ऑफ हो गई, और हर लोग मुझे जबरदस्ती झूले को झुला ही देते हैं। इस वाले में मजा आया, मैं पागल हो जाती हूँ डर के मारे, बहुत डर लग रहा है। तो रोड खाने जा रहे हैं पान जलता हुआ, तो हम देंगे आग वाला पान, आग वाला, सॉरी फायरी फायरी जलता हुआ पान खाएंगे। इसका नाम बताना है कि पान का नाम है अलका, और आप पान खाने वाली लग रही है बाहरों की मलका, ऐसे आपसे कम प्यारा पान भैया, इतना झूठ मत बोलना। यार में जाने के लिए हमके कितना प्यारा चेहरा है आपका, और महफिल में हर दिल दीवाना है आपका, और सब तो कहते हैं चांद का टुकड़ा हुआ, और मैं कहता हूँ चांद ही टुकड़ा है आपका। वाह वाह वाह, झूठ बोलना तो इनसे सीखे। वाह वाह, जल गया क्या मुंह, क्या किस्से सुनाऊं मैं अपनी शान के, और झूठ भी बोलता हूँ मैं चांद चांद के, और आ जाए मेरी पिक्चर में कैटरीना कैफ। इसके लिए भी बोलो भैया थोड़ा सा झूठा मोटा सा, पान में डाल दिया शरबत नूर, और पान खाने वाले भैया लग रहे हैं शाहिद कपूर। सब देखने वाले जलेंगे। ये लो, इस पान का नाम है ईरानी, और पान खाने जा रही है गुड़िया रानी। गुड़िया रानी इधर को मुंह, ए मुंह इधर। मैडम पान में डाल दिया शरबत नूर, और पान खाने जा रही है मैडम करीना कपूर। अरे करीना की बोली आप जैसे प्यारा, और आपसे कम प्यारा। आग वाला नहीं बेटा, बच्चों वाला है, दांत खराब हो जाएंगे। लो दांतों कल ही तोड़वाए इसके, और पान खाई गुड़िया रानी। गुड़िया रानी 2 नंबर 2। बड़ी गुड़िया रानी आइए आइए, नवरात्रों के लिए स्पेशल मीठा के पढ़ाई में हो चला हूँ, इतना बदनाम, पहली थी मुन्नी बदनाम, अब हो गया मुन्ना बदनाम। देखा इधर को, और मैं इसका काला खट्टा खा जाऊंगा। हम पान वान अपना खा चुके हैं, और अब मेला तो बिल्कुल बंद किया, हमने भी किया बंद, मेले का गेट हो गया बंद, हम अभी तक यही है, तो हम जा रहे हैं, हमने भी किया बंद, दूसरी साइड से जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है। हम जब भी मेले में जाते हैं, जब तक मेला बंद नहीं हो जाता हम निकलते ही नहीं है, आते भी सबसे लेट है, तो जाते भी सबसे। अब हम जा रहे हैं घर, रात के 2 बज गए हैं, नहीं 2:15। हाँ मतलब बताने दशहरे वाले पे फिर मिलेंगे।